हेलो एंड नमस्ते, आप सबका स्वागत है नंदिताज किचन में। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सुपर टेस्टी और सुपर यम्मी बटर गार्लिक नूडल्स की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी होता है खाने में और बहुत ही सिंपल तरीके से बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये सुपर टेस्टी रेसिपी को। बटर गार्लिक नूडल्स बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई में 1.5 लीटर पानी बॉईल कर ले। जैसे ही पानी में उबाल आ जाएगा, हम यहाँ पे थोड़ा सा नमक डाल देंगे और थोड़ा सा तेल डाल देंगे। फिर मैं यहाँ पे नूडल्स डाल दूँगी। आप यहाँ पे किसी भी ब्रांड का नूडल्स का इस्तेमाल करें। मैं यहाँ पे टोटल 1 पैकेट नूडल्स का इस्तेमाल कर रही हूँ। नूडल्स को आप यहाँ पे पानी में अच्छी तरीके से मिला दें। हमें यहाँ पे नूडल्स को पका लेना है। नूडल्स को हम पूरा नहीं पकाएंगे, 90-95% हमें नूडल्स को पका लेना है। नूडल्स को पकने में यहाँ पे 5 से 6 मिनट आसानी से लग जाएगा। आप यहाँ पे नूडल्स को मिलाते रहिए और नूडल्स को पका ले। 5 मिनट बाद आप यहाँ पे एक बार नूडल्स को चेक कर ले कि अच्छे से पका है कि नहीं। आप यहाँ पे देख सकते हैं नूडल्स जो है अच्छी तरीके से पक गई है। अब हम यहाँ पे इंडक्शन को बंद कर देंगे। अब हम यहाँ पे नूडल्स को निकाल के एक छन्नी में अच्छे से धुल लेंगे। हमें यहाँ पे नॉर्मल वाटर से धुलना है ताकि नूडल्स जो है वो ओवरकुक ना हो। नूडल्स को अच्छी तरीके से वॉश करके हम यहाँ पे एक प्लेट में निकाल लिए। अब हम उसमें तेल डाल देंगे ताकि नूडल्स जो है हमारा खिला खिला रहे। तेल को यहाँ पे अच्छी तरीके से नूडल्स में मिला दे, उससे हमारा नूडल्स जो है एक साथ चिपक के नहीं रह जाएगी, वो एक दूसरे से अलग रहेगी। तेल मिलाने के बाद हम नूडल्स को अलग रख देंगे। अब चलते हैं चाउमीन बनाने के प्रोसेस में। उसके लिए इंडक्शन में कढ़ाई गर्म कर ले। जैसे ही कढ़ाई गर्म हो जाएगा, उसमें 1/2 छोटी चम्मच बटर डाल देंगे। बटर को यहाँ पर थोड़ा सा मेल्ट हो जाने दे। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन। मैं यहाँ पे लहसुन को 2 तरीके से कट कर लिया, एक थोड़ा बड़े साइज का, एक थोड़ा बारीकी से। अब हम बटर में बड़ा चंग वाला लहसुन को डाल देंगे। 3 से 4 मिनट के लिए लहसुन को मीडियम लो फ्लेम में पका लेंगे, या फिर तब तक पकाना है जब तक कि लहसुन का कलर जो है ब्राउन ना हो जाए। 3-4 मिनट बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि लहसुन का कलर जो है ब्राउन हो गया है। अब हम सारे लहसुन को एक प्लेट में निकाल देंगे। इस भुने हुए लहसुन को हम बाद में यूज़ करेंगे, अभी इसको साइड में रख देंगे। सेम कढ़ाई में 1 चम्मच बटर हम और ऐड कर देंगे। हमें यहाँ पे तेल का इस्तेमाल नहीं करना है। बटर को थोड़ा सा मेल्ट हो जाने दे। जैसे ही बटर थोड़ा सा मेल्ट हो जाएगा, हम यहाँ पे बारीकी से कटा हुआ लहसुन डाल देंगे। साथ ही में बारीकी से कटा हुआ 2 हरी मिर्च डाल देंगे। लहसुन और हरी मिर्च को आप यहाँ पे बटर में मिलाते हुए 30 से 40 सेकेंड के लिए भून ले। गैस या इंडक्शन के फ्लेम को आप यहाँ पे मीडियम हाई रखें। सब्जियों में मैंने यहाँ पे लिया है 1 मीडियम साइज़ के प्याज, 1/2 यहाँ पे शिमला मिर्च, थोड़ा सा पत्ता गोभी और यहाँ पे थोड़ा सा हरा प्याज। सारे सब्जियों को आप यहाँ पे बारीकी से काट ले। जैसे ही हमारा हरी मिर्च और लहसुन थोड़ा सा भुन जाएगा, हम यहाँ पे सारे सब्जियों को डाल देंगे। हरा प्याज हम यहाँ पे बाद में इस्तेमाल करेंगे। सारे सब्जियों को यहाँ पे बटर में अच्छी तरीके से मिला दे। मिलाते हुए हम यहाँ पे सब्जियों को 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम में भूनेंगे। 1 मिनट बाद जैसे ही सारे सब्जियाँ अच्छी तरीके से भून जाएंगे, हम उसमें डालेंगे सॉस। सबसे पहले यहाँ पे 1 छोटी चम्मच विनीगर डाल दे, 2 छोटी चम्मच यहाँ पे सोया सॉस डाल दे, और अब हम डालेंगे यहाँ पे 3 छोटी चम्मच टमाटो केचप। सारे सॉस को यहाँ पे सब्जियों में अच्छी तरीके से मिला दे। सॉसेस को सब्जियों में अच्छी तरीके से मिलाते हुए 1/2 मिनट के लिए पका लेंगे। 1/2 मिनट बाद हम यहाँ पे बॉईल किया हुआ नूडल्स डाल देंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा नूडल्स जो है कितना खिला खिला अभी तक है। अब हम यहाँ पे सारे नूडल्स को सब्जियों और सॉसेस के साथ अच्छी तरीके से मिला देंगे। आप यहाँ पे एक फोक की मदद से अच्छी तरीके से सारे सॉसेस को मिला दे। नूडल्स जो है यहाँ पे सब्जियों और सॉसेस के साथ अच्छी तरीके से मिल गई है। अब हम इसमें स्वादानुसार नमक ऐड कर देंगे। ध्यान रहे, सॉसेस में भी नमक रहता है, तो नमक का इस्तेमाल आपको यहाँ पे थोड़ा सा कम करना है। 1/4 चम्मच यहाँ पे काली मिर्च का पाउडर डाल दे, उससे नूडल्स का स्वाद और भी बढ़ जाती है। नमक और काली मिर्च को यहाँ पे नूडल्स में अच्छी तरीके से मिला दे। आप चाहे तो मिलाने के बजाय आप यहाँ पर नूडल्स को थोड़ा सा टॉस कर सकते हैं। चाइनीज़ खाना है तो थोड़ा सा चाइनीज़ तरीके से टॉस भी कर लिया जाए। लास्ट में हम इसमें डाल देंगे भुना हुआ लहसुन के टुकड़े, और साथ ही में डाल देंगे यहाँ पे हरा प्याज। थोड़ा सा हरा प्याज यहाँ पे बचा के रखें ताकि हम गार्निशिंग में उसको यूज़ कर सकें।
हरा प्याज और भुना हुआ लहसुन को भी यहाँ पे नूडल्स में अच्छी तरीके से मिला दें। तो हमारा ऑलमोस्ट बनके तैयार है बटर गार्लिक नूडल्स। अब हम यहाँ पे इंडक्शन को बंद कर देंगे और ले चलते हैं नूडल्स को सर्व करने के प्रोसेस में। सर्व करने के लिए आप सारे नूडल्स को एक सर्विंग बोल में निकाल दें। गार्निशिंग के लिए आप यहाँ पे ऊपर से थोड़ा सा हरा प्याज स्प्रिंकल कर दें, उससे नूडल्स दिखने में और भी यम्मी लगेगी। तो तैयार है हमारा सुपर टेस्टी और सुपर यम्मी बटर गार्लिक नूडल्स। आप अपने घर में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अगर आप मेरी रेसिपी ट्राई करते हैं तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसा लगा। उम्मीद है आप सबको ज़रूर पसंद आएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही में आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी।